एक्चुअली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं अकबर बिन तबर। जहाँ दोस्तों, आप सभी को रमजान शरीफ बहुत बहुत मुबारक, सारे हिंदुस्तान को, सारी दुनिया को, और इस मीडिया के तरफ से जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को तहे दिल से लिमरा फूड कोर्ट और लिमरा तबर फूड कोर्ट हमारे गौस भाई की तरफ से सबको रमजान शरीफ मुबारक। हर साल की तरह हम लोग शहरी का जो इंतज़ाम किया जाता है, शहरी का जो माशाल्लाह हमारे तबर फूड कोर्ट, लिमरा तबर फूड कोर्ट में जो इंतज़ाम किया जाता है, आप सब जानते हैं कि खट्टी दाल, तलावा गोश्त, एक रोटी, चावल गरम गरम बैठ के खाने पे अनलिमिटेड, कुप्पा लोट के खाओ, फुप्पा जैसा खाते खाओ, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग डिसाइड किए हैं। और इसका रेट है 119 रुपये, जिसमें एक रोटी रहेंगी, तलावा गोश्त रहेगा और खट्टी दाल रहेंगी। लास्ट टाइम का डायलॉग फिर से बोलता हूँ, और ये डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, तो ये बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड हर कोई ये डायलॉग को मेरे काफ़ी पसंद करे थे। ये डायलॉग नहीं था, ये मेरा रियल था कि आप आने के बाद यहाँ पर दाल का भगोना देखेंगे तो कम से कम नहीं बोलते 40 आदमी खाली भगोने में बैठते हैं। 40 आदमी भगोने में बैठ के स्टैंड रहता है, उसको उससे दाल निकालते हैं, ऐसा निकाल के साथ डाले तो जीरा कम से कम नहीं बोले तो भी मिनिमम 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 खाली जीरा, हम लोग यकीन मानो 19 किलो जीरा डालते तो दाल कितनी बनती होंगी अब सोच लो। और हैदराबाद के लोग कितने आते होंगे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, लालागुड़ा, बारकस, निंगमपल्ली, बीएचएल, अरे अरे शाद नगर, जरचल्ला, महबूब नगर, हर जगह से आते, भीदर से आते, जहीराबाद से आते, गुलबर्गा से आते, आखिर में बेंगलुरु से भी आके लोग ये खा के जाते। इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो दाल बनती खट्टी दाल, अरे रे 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 रे, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मिर्ची ऐसा फिरते रहती। जीरे को पूछती, भाई साल आ गया क्या, भाई रमजान चालू हो गया क्या, तो जीरा बोलता, जी हाँ आपको भी मुबारक। उसके बाद करीब बता खुद बोलता, भाई मैं तो जल के रेडी हूँ, मगर खाने वाले कौन है, तो सीधा हमारे पास खाने वाले रोजदार रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सभी को रमजान बहुत बहुत मुबारक, और वो जरूर आए। और आज से हमारे पास इंतजाम चालू हो चुका है, इसका रेट सिर्फ और सिर्फ 119 रुपये में, अनलिमिटेड राइस खाने पर, यहाँ पर बैठ के खाने पे अनलिमिटेड राइस है। पार्सल के लिए अनलिमिटेड राइस नहीं है, पार्सल के लिए जो बाकुल जो हम इंतजाम जो करते हैं वो मिल जाता है, और एक रोटी, राइस, अलावा गोश्त, सब चीज़ का यहाँ पर माहौल इंतज़ाम है। बाहर बैठने का भी है, ऊपर बैठने का भी इंतज़ाम है। तो मैं जितने लोग हैं उन लोग से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो भरपूर शहरी का लुफ्त ले। जो हौस भाई ने ये रेट डिसाइड किया, अरे रे 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 119 रे, क्या बोलना साहब, पापड़, तलावा गोश, मुट्ठी भर के, अब अनलिमिटेड राइस। राइस तो हम लोग क्या करते हैं मालूम, आप लोग बिलीव करो, ये टोली चौकी का जो ब्रिज है ना, चौरस्ता का ये चाकोस के पास चालू होता ब्रिज, वो ब्रिज है ना, वो ब्रिज पे चढ़ाते हैं देखे पूरे, आप यकीन मानो हम लोग ऊपर से राइस नीचे मंगाते हैं। अब मैं कैसा बोलूं, कम से कम राइस खाली निकालने के वास्ते 300 लोगों को अलग रखे, और चिल्लर का तो छोड़ दो साहब, मैं क्या बोलूं, लास्ट टाइम के जैसा बोल रहा हूँ, आप लोगों को सबको मालूम है 1 रुपया हमेशा मैं जमा करके रखता हूँ। अब इस वक्त तो अब मैं इंशाल्लाह ताला ये चिल्लर में निकाला तो कम से कम नहीं बोले तो भी 2 करोड़ रुपये एडवांस जमा होते हैं, सही भी समझिए गई। तो आप सभी को रमजान दिल से मुबारक, शुक्रिया, थैंक यू। मैं चाह रहा हूँ कि गौस भाई दो अल्फाज बोले, गौस भाई दो अल्फाज बोलिए, आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, आप सबको रमजान मुबारक, और लिमरा तबर फूड कोर्ट की जानिब से जो हर साल शहरी का इंतज़ाम रहता 1119, हर साल जो रहता वही रेट रखे, कोई रेट नहीं बढ़ाए। खट्टी दाल, चावल, अचार, पापड़, तलेवा गोश्त, रुमाली रोटी के साथ आप हमारे को खिदमत का मौका दीजिए, हर साल जैसा देते इस साल भी दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।